हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी। सर, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पहली बार ये कोशिश है कि विधायक सांसद सबको एक मंच पर लाकर और खासकर विकास के मुद्दे पर ये बात हो। प्रधानमंत्री ने भी इसको संबोधित किया, क्या लगता है कितना उपयोगी लग रहा है आपको? ये बहुत उपयोगी फैसला है माननीय लोकसभा अध्यक्ष का। सामान्यतया सभी विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्रों के विकास में रुचि लेते हैं और लगातार लेते हैं, लेकिन इस तरह से पूरे देश के सभी विधायकों को, अधिकांश विधायकों को और सभी विधानसभा के अध्यक्षों को, विधान परिषद के सभापतियों को एक मंच पर लाना, तो ये जो भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचा बनाया था एक विशेष प्रकार का, तो उसमें राज्य और केंद्र इन दोनों की भागीदारी है और विकास को सब तक पहुंचाने की दृष्टि से इस सम्मेलन का अपना उपयोग है। दो दिन ये चलेगा। प्रधानमंत्री ने सर इसमें विकास की बात की, कहा 115 जिले जो बहुत पिछड़े हैं, पैरामीटर्स को बदलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिला जो अग्रणी दिखाई पड़ता है वो वास्तव में देखा जाए तो पैरामीटर से पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। बहुत बड़ी भूमिका विधायकों की है, क्योंकि राज्य का मामला है और केंद्र सरकार के सहयोग का मामला भी है, इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल उचित कहा है कि पिछड़े हुए जिलों को और आगे लाने के लिए उनकी खामियों पर, कहाँ पर बीमारी है उस पर और कहाँ पर और ज़्यादा जोर दे करके बाकी जिलों के समकक्ष लाया जाना चाहिए, लाया जा सकता है। और ये कार्यक्रम चूंकि दो दिन चलने वाला है तो ऐसे सभी विषयों पर कि जो पिछड़ापन है, क्या उसकी परिभाषा यही होनी चाहिए, क्या पिछड़ापन कह देने से बात बन जाती है, क्या जमीनी विकास का धन जमीनी स्तर पर पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, इसकी मॉनिटरिंग की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है कि और व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी सामान्यतया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और उनसे जुड़े अधिकारीगण ही योजनाओं को लागू करने का प्रयास करते हैं और वही निगरानी भी करते हैं। इस निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाए, समयबद्ध काम हो और जो धन जिस काम के लिए स्वीकृत हुआ है उसी योजना में व्यय हो, ये सब देखने की आवश्यकता है और यहाँ हमें विश्वास है कि दो दिन इस पर डिस्कशन होगा। एक सर आखिरी चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक तो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना पड़ेगा, दूसरा युवा अधिकारियों पर भी जोर दिया उन्होंने कि अधिकारी भी समर्पित हो। ठीक दिया है। युवा अधिकारी से मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का तात्पर्य ये रहा कि वो बहुत गतिशील होकर पूरे जिले का दौरा कर पाएंगे और पूरे जिले में योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे, अनुश्रवण होगा कैसे कहाँ कहाँ खामी है। तो ये एक अच्छी बात है कि नौजवान अधिकारी होंगे ज़्यादा तादाद में तो अच्छे रिजल्ट पाए जा सकते हैं। और राजनीतिक मतभेद का जहाँ तक प्रश्न है, वो तो जनतंत्र में राजनीतिक मतभेद चुनाव की दृष्टि से ही वहीं तक उन्हें सीमित रखना चाहिए। बाकी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं भारत का भला हो, राज्य स्तर पर सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहते हैं कि हमारे जिले का, हमारे क्षेत्र का भला हो, तो वहाँ पर राजनीति ना आए तो अच्छा रहता है। क्या कोई सर प्रस्ताव भी पारित होगा इन दो दिनों के बाद कुछ ऐसे? नहीं, ये तो एक अनुश्रवण है, एक कार्यशाला है, तो उसमें जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से 12 विधायक आए हम समेत, तो सब हिस्सा लेंगे, अपना सुझाव देंगे, सजेशंस देंगे, परामर्श आएंगे, उस आधार पर आगे कोई रणनीति बनाई जाए, कोई प्रस्ताव नहीं होगा। तो ये थे हृदय नारायण दीक्षित जी, इनका कहना था कि ये जो दो दिन का सम्मेलन रखा गया है, राष्ट्रीय लेजिस्लेचर सम्मेलन, उसमें कई ऐसी बातें निकल कर आएंगी जो देश के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। डीके पांडे के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।